स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 3.6 ऑफ चैप्टर 3. सो लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम. हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है. एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट, एल का मतलब लोवेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो देखिए, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया है 24 एंड 18. तो देखिए, इसमें ऐसे बहुत सारे, मान लीजिए थ्री क्वेश्चन, थ्री नंबर भी दे सकता है, फोर नंबर दे सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है. तो पहले हम टू नंबर्स का देखेंगे. जैसे 24 दिया है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे. ओके, तो 24 का हम 2 से पहले करेंगे, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, फिर 2 से 2 सिक्स जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर से 3 से 3 वन जा 3, फिर से 18 का करिए ऐसे ही. 18 का करेंगे तो क्या होगा? 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 वन जा 3. तो यहाँ पे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. और 18 का क्या आया? 18 का आया 2 इंटू 3 इंटू 3. ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे. क्या लेंगे? एलसीएम. एलसीएम क्या हो जाएगा? इसमें पहले देखिए क्या क्या मैच कर रहा है. ये 2 मैच कर गया तो 2 लिख लीजिए, फिर से एक 3 मैच कर गया तो आप 3 लिख लीजिए, और क्या मैच नहीं कर रहा है, जो मैच नहीं किया है उसको क्रम से लिख लीजिए. जैसे 2 इंटू 2 ऊपर है और एक 3 क्या है? नीचे है. दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72. 72 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा. ठीक, ऐसे बहुत सारे नंबर्स, अगर मान लीजिए 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सेपरेटली सबका हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद से 3 नंबर है तो तीनों नंबर में देखेंगे क्या कॉमन है. तो पहले जो कॉमन होगा उसको हम क्रम से लिख लेंगे, और जो बाकी बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे? बाकी सीक्वेंस में क्या करेंगे? आगे जैसे है वैसे लिख देंगे, उसके बाद से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. तो जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द एलसीएम ऑफ द गिवन 2 नंबर्स आर 3 नंबर्स आर 4 नंबर्स. ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज नंबर 3.7. एक्सरसाइज नंबर 3.7. देखिए, इसमें एक्सरसाइज नंबर 3.7 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है डिटरमाइन द एलसीएम, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड. देखिए, हमको डिवीजन मेथड से क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है. जैसे क्वेश्चन फर्स्ट दिया है 6, 8 एंड 45. 6, 8 एंड 45. तो डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे. तो आइए हम लोग इसका एलसीएम फाइंड करते हैं. देखिए, इसमें दिया है 6, 8 एंड 45. ऐसे हम लिख लेंगे और ऐसे हम लोग क्या करेंगे? बॉक्स बना देंगे. इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6. 2 4 जा क्या हो जाएगा? 8. 2 से ये 45 डिवाइड नहीं होता है, जैसे है वैसे लिख दीजिए. फिर 2 से हम डिवाइड करते हैं, 3 नहीं डिवाइड होगा. 2 2 जा 4, 45 नहीं डिवाइड होगा. फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 3 नहीं डिवाइड होगा. 2 1 जा 2, 45 भी नहीं डिवाइड होगा. ओके, फिर हम 3 से चेक करते हैं तो 3 1 जा क्या हो जाएगा? 3, ये 1 हो गया, ऑलरेडी है ही है. और 3 से ये 15 टाइम में डिवाइड हो जाएगा. ओके, फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 है, ये भी 1 आ गया है. 3 5 जा 15. फिर से हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1, और ये क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? जो लेफ्ट साइड में जितने नंबर से डिवाइड किए हैं उसका मल्टीप्लिकेशन कर लें. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. दिस इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. ओके, एंड 5 का कर लीजिए पहले, 8 5 जा 40, और 3 3 जा 9, 360 आई थिंक इसका क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा. तो हम कह सकते हैं एलसीएम ऑफ द, एलसीएम ऑफ क्या क्या? 6, 8 एंड 45 इक्वल टू 360, ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है,
ऐसे डिवीजन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर टू दे दिया रहा है इसमें, देखिए क्वेश्चन टू क्या कर रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 15, 20, 24, 32 एंड 36। ऐसे नंबर को हमको बताना है कि जो कि क्या हो, 15 से भी डिविजिबल हो, 20 से डिविजिबल हो, 24 से डिविजिबल हो, 32 से डिविजिबल हो, 36 से डिविजिबल हो, इन पांचों नंबर से वो डिविजिबल हो तो वह नंबर क्या होगा। इनका एलसीएम फाइंड कर दीजिए, 15, 20, 24, 32, 36 सबका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, आइए देखा जाए। 2 से पहले हम डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइड नहीं होता है 2 से, 2 से 20 डिवाइड होता है, 2 10 जा 20, 2 से 24 डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ओके ऐसे 2 से डिवाइड हो गया, 2 से 15 नहीं डिवाइड होगा, 10 डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 2 से डिवाइड करिए, 15 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 नहीं होगा डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड करिए, 15 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 2 2 जा 4, 9 भी नहीं होगा, फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 15 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 2 1 जा 2, ये 9 भी नहीं होगा, फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, ओके ये 5 नहीं होगा, 3 1 जा 3, फिर से 1, ये 3 3 जा 9, फिर से किससे होगा, 3 से ही होगा, 5 नहीं होगा, ओके ये भी 5 नहीं होगा, ये 1 भी नहीं होगा, ये 1 मान लीजिए ऑलरेडी आ ही गया, 3 1 जा 3, अब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 ये 1 ही है, तो इस तरह से ये लेफ्ट साइड में हमारे जो भी मतलब ये जिन जिन नंबर से डिवाइड किए हैं हम लोग, इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितने टाइम आ गया, 5, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद से क्या है आपका, 3 × 3 × 5 दिस इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करके हम क्या करें, इसका प्रोडक्ट लिख दें, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, ओके 32, उसके बाद से 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, ओके यानी कि 32 × 45 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 एंड 1 = 16, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, क्या हो जाएगा 0, 8, 6, 14 का 4 एंड ये 4, 1440 आ जाएगा, यानी कि 1440 ही वह लिस्ट नंबर होगा जो क्या होगा, ये 15, 20, 24, 32 और 36 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 585 एंड 624, ये हमारा नंबर है दो, और ऐसे हमको नंबर को बताना है जो क्या हो, इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल हो, तो सेम काम करना है हम लोग को, इसका एलसीएम फाइंड करना है। आई होप यू कैन कम्प्लीट इट, ओके आप कंप्लीट कर सकते हो। अब देखिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, फाइंड द लोवेस्ट नेचुरल नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 15 ओके 20, 25 एंड 45, ओके लीव्स अ रिमाइंडर 8 इन ईच केस, हमको बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम लोग 15, 20, 25 और 45 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक केस में हमको रिमाइंडर क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 से पहले इसका एलसीएम हम लोग फाइंड कर दें, जो भी एलसीएम आएगा, जितना भी एलसीएम आएगा, एलसीएम में हम लोग कितना प्लस कर देंगे, जो भी रिमाइंडर है रिमाइंडर 8 प्लस कर देंगे तो वही वह नंबर होगा जो क्या होगा, 15 से 20 से 25 से 45 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा, तो 15 नहीं कटेगा 2 से, 2 10 या 20, 25 भी नहीं कैंसिल होगा, 45 भी नहीं कैंसिल होगा, फिर से 2 से 15 नहीं कैंसिल होगा, 2 5 या 10, 25 भी नहीं कैंसिल होगा, फिर से 45 रह जाएगा, फिर से हम किससे कैंसिल करेंगे, 3 से, 3 5 या 15, 5 नहीं कैंसिल होगा, 25 भी नहीं कैंसिल होगा, ये 15 टाइम में कैंसिल हो जाएगा,
थ्री से फाइव नहीं होगा, फाइव भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, थ्री फाइव जा 15, फिर फाइव से हम करेंगे, फाइव से करेंगे तो क्या आएगा, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, फाइव फाइव जा 25, फाइव वन जा फाइव, फिर से फाइव से वन है, यहाँ भी वन है, ये फाइव वन जा फाइव, ये वन हो जाएगा। ओके अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वह लोवेस्ट नंबर क्या होगा, लोवेस्ट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव एंड प्लस क्या हो जाएगा, एट। तो एट हम इसलिए प्लस किए हैं क्योंकि जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसमें एट प्लस कर देंगे, तभी हम लोग इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हर बार एट रिमाइंडर बचेगा। यहाँ देखिए टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स और फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव होगा, तो थर्टी सिक्स इंटू ट्वेंटी फाइव क्या आ जाएगा, अब फाइव सिक्स जा थर्टी, फाइव थ्री जा फिफ्टीन एटीन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू थ्री जा सिक्स एंड वन सेवन जीरो, एट टू टेन का जीरो, सेवन प्लस वन एट, एट एंड वन नाइन, नाइन हंड्रेड एंड प्लस क्या है एट, वह नंबर क्या हो जाएगा नाइन हंड्रेड एट, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अदर्स जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज में आप ट्राई करिएगा करने की, ठीक है, कोशिश करिएगा, और अगर दिक्कत होगा तो हम लोग ग्रुप में आप पूछिएगा, मैं ग्रुप में आप लोगों को क्वेश्चंस का सलूशन दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आप कोशिश करिएगा।